नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम ये बैटरी का वाटर रिफिल करेंगे जो कि डिस्टिल वाटर है। ये देखिए, ये वाटर है डिस्टिल वाटर। वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, पेट्रोल पंप वगैरह इसमें मिलता है, वो बैटरी के शॉप पे। 25 रुपीज़ रेट है इसका। तो हम लोग डालेंगे इसको आज, तो देखते हैं कितना कम है इसमें। खोल के एक कॉइन से खोल रहा हूँ मैं इसका। मुझे भी बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी, तो यूज़ करता हूँ इस थोड़ी नॉलेज। देखिए इसमें कम है, इसमें कम है, और इसमें थोड़ी कम है। खोल के देखता हूँ, इसमें तो बहुत ही कम है। इसमें भी बहुत कम है। ये डीजल इंजन का बैटरी है, बहुत बड़ा बैटरी होता है इसका। ये गाड़ी भी मेरी है तो यूज़ करता हूँ मैं इसको ट्रिप्स पे। इसमें भी बहुत कम है, तो हम रिफिल करेंगे और लास्ट में देखता हूँ। अभी मैंने निकाल के रखा था बैटरी का वायर इसका, क्योंकि गाड़ी थोड़ी दिन के लिए बंद थी। इसमें तो बहुत ही कम है। ठीक है, अभी रिफ़िल करते हैं हम। तो ये सिरिंज से मैं रिफ़िल करूँगा, इसमें निकाला है मैंने, तो रिफ़िल करता हूँ मैं इससे। ये देखो, इसमें लिया मैंने, अभी यहाँ पे रिफ़िल करूँगा। हमको ये पूरा नहीं भरना है, लेकिन थोड़ा बहुत रखना है इसको स्पेस, क्योंकि जब चार्ज होता है ना बैटरी, तो ये वो एक्सपांड होता है, ऊपर आके ओवरफ्लो भी हो सकता है। इसके लिए थोड़ा कम ही रखना है। ये देखिए, इसमें तो बहुत ही कम था पानी, मैंने भी चेक नहीं किया था, बहुत दिन हो गया। ये डीजल इंजन का गाड़ी में ऐसा ही होता है, ज़्यादा पावर की वजह से ज़्यादा खींचता है। ओवर चार्जिंग की वजह से भी ये ड्रेन होता है वाटर। तो हम लोग इतना ही रखेंगे इसमें, ये तो बहुत पानी गया इसमें। ठीक है, अभी दूसरे की तरफ चलते हैं। पहले मैं पूरा डाल के देखता हूँ, बाद में टाइट करूँगा। तो इसमें डालता हूँ थोड़ा। हाँ, इसमें भी बहुत गया है, थोड़ी स्पेस छोड़ के रखता हूँ मैं इसको। इसमें डालता हूँ, ये बहुत खाली हो गया था दोस्तों, पूरा बैटरी खाली हो गया था लगता है ऑलमोस्ट। ये देखिए, इसमें हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी ये सेल में तो बहुत ही कम था। अभी यहाँ रिफ़िल किया है मैंने, इसमें बहुत ही कम था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं। देखिए, बहुत ही कम था पानी। ये डिस्टिल वाटर होता है दोस्तों, साधारण पानी नहीं है ये। ये लास्ट है इसका, इसमें पावर रहता है। ये लास्ट सॉकेट में पूरा को चैम्बर को इससे पावर आता है, तो ये तो खाली हो गया लगता है। पूरा खाली हो गया था वो। थोड़ा थोड़ा रिफिल करता हूँ इसको। देखो, ये देखो, बराबर हो गया सब में। लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ का चैम्बर,
और ये चैम्बर, इन दोनों में ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है गाड़ी का, इसमें और इसमें, तो इसमें ज़्यादा ख़त्म हुआ था। ठीक है, पूरे नहीं भरेंगे हम, थोड़ा जगह छोड़े देंगे इसके लिए। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा साफ़ करेंगे क्योंकि बहुत कचरा जमा हो गया इधर। इसको भी साफ़ करेंगे, ध्यान रखना पड़ता है, अंदर गिर गया तो इंजन में मिलता नहीं हो, तो ध्यान से साफ़ करेंगे इसको। ये देखिए ऐसा साफ़ हुआ ये सब। इस पर पेंट वगैरह जा सकता है गाड़ी का, बहुत हार्म करता है कलर वगैरह को, इवन हाथ्स को भी हार्म करता है। तुरंत धो लेना चाहिए बाद में। तो ये हो गया बिठा के, अभी जैसे खोला था वैसे ही टाइट करूँगा मैं कॉइन से। डीजल इंजन का बैटरी है दोस्तों, 65D है इसका नंबर, इनोवा का बैटरी होता है ऐसा है, एक कार है मेरी। मैं भी हैरान हूँ इतना कैसे ख़त्म हो गया पानी, हर चीज़ का नॉलेज रखना पड़ता है दोस्तों, काम आती है। ये देखिए टाइट हो गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड स्लिप हो सकती है। ये हो गया, ये चलो ये फिट करके हो गया, मैं कनेक्ट कर दूंगा बाद में। चलो दोस्तों मैंने कर दिया मेरा गाड़ी का काम, तो देखते हैं अभी क्या करती है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।